मैं रवि शुक्ला अयोध्या से। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाला है भक्ति पथ, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दो दिन हो चुके हैं, यानी आज 24 तारीख है, 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को किस तरीके से भक्ति पथ दिखाई देता है, किस तरीके से यहाँ पे 22 जनवरी को लेकर यहाँ पे सजावट की गई थी, सुंदरता बिखेरी गई थी फूलों के द्वारा, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ना देरी करते हुए चलते हैं, आपको भक्ति पथ का अपडेट देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं भक्ति पथ पे। आप हनुमानगढ़ी भक्ति पथ से जाएंगे हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए। तो जो मुख्य द्वार है भक्ति पथ का, कुछ इस तरीके से सजाया गया था प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद किस तरीके से भक्ति पथ दिखाई दे रहा है, कितना यहाँ पे सजावट प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई थी। तो दोस्तों देख सकते हैं गेट कुछ इस तरीके से यहाँ पे गेटों को सजाया गया था। और फोर्स की मैं बात करूँ तो फोर्स तो भाई साहब आज 24 जनवरी है, फिर भी यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है फोर्स। और आप देख सकते हैं भक्ति पथ का कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा होने वाला है। अगर प्रसाद के रूप में आप कुछ भी सामान ले जा रहे हैं तो यहाँ से आप भक्ति पथ स्टार्ट करेंगे, मतलब भक्ति हनुमानगढ़ी को जाएंगे आप, तो भक्ति पथ शुरू से ही दुकानें आपको मिल जाएंगी। कई प्रकार के सामान यहाँ पे प्रसाद के रूप में लोग ले जा रहे हैं, प्रसाद के रूप में यहाँ पे कई प्रकार के सामान उपलब्ध हैं जो कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और आपको ऊपर दिख रहा होगा ये लेजर जो लाइटें हैं, ये रात में अलग ही सुंदरता बिखेरती हैं। ये जो जगह जगह आपको दिखाई दे रहा होगा ये लेजर लाइटें लगाई गई हैं, ये रात में अलग ही भक्ति पथ की सुंदरता बढ़ाती हैं। और जितने भी जिसके घर हैं साइड साइड में भक्ति पथ पे, देख सकते हैं किस तरीके से फूलों के द्वारा यहाँ पे सजाया गया था, फूलों के द्वारा इसकी सुंदरता बढ़ाई गई थी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जो कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद भक्ति पथ किस तरीके से दिखाई दे रहा है, कितनी भीड़ यहाँ पे हो रही है दर्शन करने के लिए, वो चाहे रामलला का हो या महाबली सरकार हनुमान जी का हो, तो देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। और जो कि काफ़ी यहाँ पे रोड की मैं बात करूँ तो रोड काफ़ी क्लीन है, यानी साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। भाई साहब यहाँ पे आएंगे तो जो कर्मचारी हैं, यानी आप देख सकते हैं व्यवस्था को लेकर कितनी सरकार यहाँ बिल्कुल एक तरीके से प्रशासन कितनी टाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं एक भी गिलास या कुछ यहाँ पे आम जनता अगर फेंक रही है तो सफाई को लेकर कितना ध्यान दिया जा रहा है, देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे सफाई एक तरीके से एक साइड से हो चुकी, दूसरी साइड से फिर हो रही, यानी सफाई को लेकर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। हमारे प्रभु श्री महाबली सरकार हनुमान जी का दरबार आपको दिखाई दे रहा है, तो पास में थोड़ा चल के आपको वहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको प्रसाद और साथ जो महाबली जी के हनुमान जी के दरबार में आप अगर ले जाना है तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें साइड साइड में लगाई गई हैं। दोस्तों ये है महाबली हनुमान जी का दरबार, आप इसी सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाएंगे तो आपको दर्शन मिल जाएंगे। और ख़ासकर इस वीडियो में आपको भक्ति पथ से और जन्मभूमि पथ पे जहां इस रूट का मिलाप हुआ है, यानी मिलाप अंत हुआ है, वहां पे आपको वहां तक इस वीडियो में सारा कुछ अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों मैं भक्तों की बात करूं तो यहां पे काफ़ी भारी संख्या में यहां पे भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से हनुमानगढ़ी पे भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, जो कि 24 जनवरी हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, फिर भी आप देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के पहले इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अब यहाँ पे भीड़ हो रही है। दोस्तों मैं हनुमानगढ़ी से थोड़ा चलकर आगे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं इस मंदिर का मुझे नाम नहीं, अगर आपको पता होगा नाम तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मैंने अगले वीडियो में दिखाया था यहाँ पर काम थोड़ा बहुत हुआ था, अब इस टाइम काम काफ़ी हो गया है, और उस साइड अभी बचा हुआ है, जो ये पत्थर राजस्थान से मंगाए गए सारे पत्थर इस पे लगेंगे, फिनिशिंग करके इसको श्रद्धालुओं को बैठने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं बैठने के ये काम आएगा, जो सीढ़ियां यहां पे बनी हुई हैं। और चलते हैं थोड़ा और आगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।
दोस्तों ये सीधे जो रोड निकली हुई है ये कनक भवन को निकली है। देख सकते हैं ये जो रोड गई हुई है ये कनक भवन को गई है और ये दशरथ महल है आप देख सकते हैं। और इस रोड की मैं बात करूँ तो ये अमावा मंदिर होते हुए जन्मभूमि पथ में ये रोड जाके मिल जाएगी वहाँ पे। तो देख सकते हैं प्रशासन किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में मुस्तैद हो चुकी है, यहाँ पे किसी आदमी को आने नहीं दिया जा रहा है, यानी इस आ सकते हैं लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मैं भक्ति पथ यानी राजा दशरथ के महल से थोड़ा आगे आ चुका हूँ जो कि अमावा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। अमावा मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन को लेकर व्यवस्था, देख सकते हैं प्रशासन यानी जन्मभूमि पथ से इस साइड से नहीं जाने दिया जा रहा है, कितनी भारी संख्या में यहाँ मुस्तैद है। और अगर अमावा राम मंदिर आप जा रहे हैं तो ये मेन गेट है अमावा राम मंदिर का, इसी गेट से आप जा सकते हैं। अभी यहाँ पे वैसे फ़िलहाल रोका जा रहा है, इस साइड से एंट्री द्वार बनाया गया है, इस साइड से आप जा सकते हैं। चलिए अमावा राम मंदिर में ले चल के वहाँ पर थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा अंदर अमावा राम मंदिर के। और मैं अमावा राम मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर राम रसोई जो कि निःशुल्क यहाँ पर पर्ची करती है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी भोजन करने के लिए। कुछ अमावा राम मंदिर का प्रांगण जो इस तरीके से दिखाई देता है, आप जब अंदर आएंगे और इसी गेट से अंदर जाएंगे, अंदर भोजन निःशुल्क कराया जाता है, तो जाके अंदर आप भोजन कर सकते हैं, जो कि एक पर्ची यहाँ पे राम रसोई नाम से एक पर्ची करती है, वो पर्ची कटवा के निःशुल्क भोजन आप कर सकते हैं। कुछ अमावा राम मंदिर का प्रांगण की मैं बात करूँ तो इसी तरीके से यहाँ पर ये प्रांगण दिखाई देता है। और चलेंगे, मैं चलूँगा जन्मभूमि पथ, जो ये भक्ति पथ आया है और वहाँ पे जन्मभूमि पथ से मिलाप हुआ है दोनों रूट का, तो वहाँ तक इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो रुकिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों जब आप अंदर आएंगे तो देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं जो कि निःशुल्क है। ये अमावा राम मंदिर के अंदर का प्रांगण है, जिस तरीके से यहाँ पर भव्य नज़ारा देखने को आपको मिल रहा है। जब भी आप आएँगे तो यहाँ पर हज़ारों में लोग भोजन करते हैं, पर डे का रूटीन है, हज़ारों में यहाँ पे लोग भोजन करते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है।